जैसे ही मूवी शुरू होती है हम एक ट्रक को देखते हैं जो कि एक रेगिस्तान से गुजरा होता है और उस ट्रक में बहुत सारे मैक्सिकन लोग होते हैं और हम मोजेस को देखते हैं जो इस मूवी का मैन कैरेक्टर है जिसके पास उसके बेटे का टेडी बियर होता है लेकिन वो टेडी बियर खराब होने की वजह से वो कभी भी बजना शुरू हो जाता था लेकिन मोजेस को ये पता नहीं होता है कि उस टेडी बियर को कैसे बंद किया जाए और मोजेस के बगल में एक आदमी होता है और वो मोजेस को आइडिया देता है कि तुम्हें टेडी बियर के पेट को प्रेस करना चाहिए तो मोजेस उस आदमी की बात को मानता है और टेडी बियर के पेट को प्रेस करता है जिससे टेडी बियर बजना बंद हो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि उस ट्रक में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करके अमेरिका जाना चाहते थे क्योंकि मैक्सिको में उनके पास काम करने के लिए जगह नहीं थी और उनका जीना मुश्किल हो रहा था और तभी रास्ते में ट्रक चलते चलते बंद हो जाता है और सभी को पता चलता है कि ट्रक का टायर पंक्चर हो चुका है। इसके बाद ड्राइवर ट्रक के लोगों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम में से कोई कार मैकेनिक है। तब मोजेस ड्राइवर से कहता है कि मैं एक कार मैकेनिक हूं और ट्रक को जब चेक करता है तो वो देखता है कि गाड़ी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और गाड़ी का इंजन भी खराब हो चुका है और गाड़ी अब आगे नहीं जा सकती। तभी ड्राइवर और बॉर्डर पार कराने वाला आदमी दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोगों को पैदल चलाकर बॉर्डर पार कराएंगे और फिर सभी लोग बॉर्डर पार करने के लिए पैदल निकल जाते हैं। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो कि एक हंटर होता है और उसके साथ उसका पालतू डॉग होता है और सैम अपने डॉग के साथ शिकार पर निकल जाता है। इसके बाद हम मोजेस और सभी लोगों को देखते हैं जो बॉर्डर की वायर को क्रॉस करते हैं और सभी लोग अमेरिका में एंटर हो जाते हैं। इसके बाद सैम जो कि शिकार की तलाश में गोली चला देता है जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर कर भागने लगते हैं क्योंकि वो सभी लोग इलीगल तरीके से अमेरिका के बॉर्डर में घुसे थे। अब भागते भागते वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं इसलिए वो एक जगह पर बैठकर पानी पीने लगते हैं। उसी दौरान एक आदमी एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है जिसका नाम एडला होता है। तब मोजेस उस आदमी को ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद हम एक शेरिफ को देखते हैं जो सैम की गाड़ी के सामने आ जाता है और फिर सैम शेरिफ से कहता है कि वो यहाँ पर रेबिट का शिकार करने आया है और इस देश में रेबिट के शिकार पर कोई पाबंदी नहीं है। तब शेरिफ कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो लेकिन तुम्हें बॉर्डर से दूर रहना चाहिए क्योंकि बॉर्डर के पास बहुत ज्यादा खतरा है। और सैम शेरिफ से कहता है कि मुझे एक न्यूज के बारे में पता चला है कि कुछ मैक्सिकन लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करके अमेरिका में घुस रहे हैं लेकिन वो शेरिफ कहता है कि उसने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉर्डर पार कराने वाले आदमी के साथ जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके हैं और मोजेस के साथ चार लोग होते हैं जो कि पीछे छूट जाते हैं और तभी वहाँ पर सैम आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग वहाँ पर छिप जाते हैं। उस दौरान सैम को किसी मैक्सिकन की रुमाल मिलती है और वो अपने डॉग को इस रुमाल के मालिक को ढूंढने के लिए कहता है। जिसके बाद सैम को आगे जाते हुए मैक्सिकन दिख जाते हैं और वो अपनी राइफल से पहले तो बॉर्डर पार कराने वाले आदमी को मारता है और बाद में एक एक करके सभी लोगों को जान से मारने लगता है और बाकी लोग इस तरह से लोगों को मरता हुआ देखकर भागने लगते हैं। लेकिन वो रेगिस्तान बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और सैम उन सभी लोगों को एक एक करके मार देता है। उन सभी को खत्म करने के बाद सैम खुद को शाबाशी देता है और जब सैम अपनी गाड़ी से जाने वाला होता है और वो अपने डॉग को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है तो वो डॉग गाड़ी के अंदर नहीं बैठता और वो पहाड़ को देखकर भौंकने लगता है और सैम समझ जाता है कि इस पहाड़ पर यकीनन कोई होगा। और जब सैम अपने राइफल की दूरबीन से पहाड़ पर चेक करता है तो उसे वहाँ से भागते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं। तभी मोजेस और बाकी सभी लोगों को पता चल जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जिसके बाद सैम अपने डॉग को मैक्सिकन लोगों के पीछे लगा देता है और जब सभी लोग भाग रहे होते हैं तो सबसे पीछे जो आदमी होता है उसे सैम का डॉग पकड़कर मार देता है और अब सभी बचे हुए लोग डॉग से बचकर भाग रहे होते हैं और वो भागते भागते एक पेड़ का सपोर्ट लेकर एक जगह के ऊपरी हिस्से में पहुंच जाते हैं जिससे वो डॉग उन लोगों को नहीं पकड़ पाता और सैम भी उस जगह पर आ जाता है। और वो अब एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर पहुंचता है जहां से उसे पूरे रेगिस्तान का नजारा दिख रहा था। इसके बाद बचे हुए लोग भाग रहे होते हैं और भागते भागते एक ऊंचाई वाले हिस्से पर आ जाते हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ी खाई आ जाती है लेकिन सामने ही एक और बड़ा पत्थर होता है जिस पर सभी लोग जंप करके दूसरे हिस्से पर जा रहे होते हैं और आखिर में जो आदमी बचता है वो जंप करने से बहुत ही ज्यादा डरता है लेकिन तभी उसके पीछे डॉग आ जाता है और मौत से बचने के लिए उसे छलांग लगानी पड़ती है मगर वो सही से छलांग नहीं लगा पाता और वो वहीं पर लटक जाता है। लेकिन मोजेस उसे पकड़ लेता है और तभी सैम अपनी दूरबीन से देखता है कि एक आदमी नीचे लटक रहा है। तब वो उस आदमी को गोली मार देता है जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। उसी दौरान सैम मोजेस पर भी गोली चलाता है मगर मोजेस उसे बचकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद मोजेस का साथी लोबो जो
कि बहुत ही तेजी से भाग रहा था और मोजेस लोबो को समझाता है और कहता है कि हमें जिंदा रहने के लिए साथ में रहना होगा। और फिर वो तीनों भागने लगते हैं, मगर सैम अभी भी उन लोगों का पीछा कर रहा था और वो अपने डॉग को फिर से उन लोगों के पीछे लगा देता है और नक्शे के सहारे गाड़ी दूसरी जगह ले जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। और जब बचे हुए तीन लोग पत्थर को पार कर रहे होते हैं तो डॉग भी उनके पीछे पड़ जाता है। उसी दौरान मोजेस सैम की गाड़ी को देख लेता है और वो वहाँ पर छिप जाता है, मगर सैम का डॉग उन्हें देखकर भौंकने लगता है। और जब सैम वहाँ पर पहुँचता है तो वो वहाँ पर सिर्फ लोबो को ही देख पाता है। और जब वो लोबो को शूट करने वाला होता है, इससे पहले कि वो लोबो को शूट करता वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और वो डॉग लोबो के पास पहुंचकर उसे काटने लगता है। उसी दौरान सैम वहाँ पर पहुंचकर लोबो को जान से मार देता है। अब आखिर में सिर्फ मोजेस और एडला बचे होते हैं जो कि एक जगह पर छिप जाते हैं। उसी दौरान मोजेस के बेटे का टेडी बियर बजने लगता है और मोजेस जल्दी से बैग में से उस टेडी बियर को निकाल कर बंद करता है, मगर अब सैम समझ जाता है कि अभी भी कुछ लोग बचे हैं, लेकिन उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद रात हो जाती है और मोजेस और एडला एक साथ बैठे हुए हैं। अब एडला मोजेस को बताती है कि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो अमेरिका में रहे क्योंकि मैक्सिको उसके लिए सेफ नहीं है, और इसलिए उसके पेरेंट्स ने उनके साथ एक आदमी को भेजा जो कि उसकी टेक केयर करे और उसे सपोर्ट दे, लेकिन वो आदमी मारा जा चुका है। इसके बाद मोजेस एडला को बताता है कि वो पहले अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में ही रहा करता था जहाँ पर वो लोग इलीगल तरीके से रहा करते थे, और एक दिन गाड़ी चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। पहले तो उसे अमेरिकन जेल में रखा गया, लेकिन बाद में मोजेस के मैक्सिकन होने की वजह से उसे मैक्सिकन जेल में भेज दिया गया, और तभी उसके बेटे ने जेल जाते वक्त उसे ये टेडी बियर दिया था। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो जंगल में आग लगाकर बैठा हुआ होता है और उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही होती है, और वो डिसाइड करता है कि वो अगली सुबह यहाँ से चला जाएगा। और जब अगली सुबह वो रेगिस्तान से जाने वाला होता है तो एडला सैम को देख लेती है, और एडला के सामने बहुत सारे स्नैक्स होते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर मोजेस के पास जाती है और उसे बताते हैं कि जिस आदमी ने सभी लोगों को मारा है वो अभी तक यहीं पर है। जिसके बाद वो दोनों एक प्लान बनाते हैं, और जब सैम का डॉग सो रहा होता है तो उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं। सैम और डॉग उस जगह पर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर टेडी बियर दिखता है, और सैम समझ जाता है कि उसे यहाँ पर बेवकूफ बनाया गया है, और वो देखता है कि एडला और मोजेस उसकी गाड़ी की ओर भाग रहे हैं, और तभी वो उन पर शूट करता है, लेकिन वो दोनों उसकी गोलियों से बच जाते हैं, जिसके बाद डॉग उनके पीछे भागने लगता है। दरअसल उस गाड़ी का डोर लॉक होता है, मगर मोजेस किसी तरह से उस गाड़ी के डोर को खोल देता है और वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, इसलिए वो डॉग उन दोनों को नहीं पकड़ पाता। अब मोजेस और एडला गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सोचते हैं कि सैम उन्हें अब कभी नहीं पकड़ पाएगा। जिसके बाद सैम की गोली एडला के हाथ पर आकर लगती है और मोजेस गाड़ी का कंट्रोल खो बैठता है, जिससे उसकी गाड़ी बहुत ही बुरी तरह से पलट जाती है। हालांकि यहाँ पर मोजेस को कुछ भी नहीं होता और वो एडला को गाड़ी में से निकाल कर वहाँ से चला जाता है। और फिर सैम अपने डॉग के साथ गाड़ी के पास पहुँचता है, तब वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, जिसके बाद वो फिर से उन लोगों के पीछे अपने डॉगी को लगा देता है। इधर मोजेस और एडला एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं और मोजेस गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स को अपने साथ ले लेता है, और जब वो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें से उसे एक फ्लेयर गन मिलती है, और वो एडला से कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा और तुम चल नहीं सकती क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा जख्मी हो। तब एडला उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन मोजेस कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो वो आदमी हम दोनों को मार देगा। जिसके बाद मोजेस ना चाहते हुए भी एडला को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर सैम खून के निशान का पीछा करते हुए एडला तक पहुँच रहा होता है, तभी मोजेस फ्लेयर गन चला देता है, जिसकी रोशनी को देखकर वो डिसाइड करता है कि जो लड़की जख्मी है वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए वो एडला को छोड़कर अपने डॉगी को मोजेस का पीछा करने के लिए कहता है। इसके बाद मोजेस भागता हुआ कांटे वाले पौधों में चला जाता है जहाँ पर उसे कांटे चुभ रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर सैम का डॉग आ जाता है, मगर मोजेस उसे फ्लेयर गन से शूट कर देता है जिससे वो डॉग जख्मी हो जाता है और मोजेस वहाँ से भाग जाता है। जब सैम अपने डॉग के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका डॉग जल रहा है और वो बहुत ही ज्यादा तड़प रहा है, जिसके बाद वो ना चाहते हुए भी अपने डॉग को मारकर उसे मुक्ति दे देता है। इधर मोजेस को एक गाड़ी दिखती है और वो उसका पीछा करने लगता है, तभी वहाँ पर सैम आ जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो मोजेस पर गोली चलाने लगता है, मगर मोजेस एक जगह पर जाकर छिप जाता है और सैम उसे नहीं देख पाता, तो वो उसके ऊपर से जंप करके सैम को अपने साथ नीचे गिरा देता है और सैम बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, और वो इतना जख्मी होता है कि अब वो चल भी नहीं पाता, और सैम की राइफल उससे बहुत ही ज्यादा दूरी पर होती है, लेकिन उस राइफल तक पहले मोजेस पहुंच जाता है और वो राइफल सैम पर तान देता है, जिसके बाद सैम उससे जिंदगी की भीख मांगने लगता है। मोजेस उसे बख्श तो जरूर देता है,
मगर उसे उसी रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ देता है, जिसके बाद वो एडला के पास जाता है और एडला अभी तक जिंदा होती है, हालांकि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी होती है। अब मोइसेस एडला को अपने बैग पर लटका लेता है और एक बहुत लंबा सफर तय करता है, जिसके बाद उसे अपनी मंजिल दिखती है, जहां पर शाम के वक्त बहुत सारी गाड़ियों की रोशनी उसे दिखाई देती है और वो उस रोशनी की तरफ बढ़ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सर्वाइविंग स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।